नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नंबर वन चैनल के नंबर वन शो में आज आपको हम बताएंगे कि पुतिन ने भले ही यूक्रेन की जमीन का बड़ा हिस्सा छीन लिया है, लेकिन ज़ेलेंस्की बहुत जल्दी बाउंस बैक कर सकते हैं। पिछले 24 घंटे से एक सीक्रेट फोटो वायरल लगातार हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को भेजी थी, लेकिन रास्ते में ही ये कहीं लीक हो गई और इस तस्वीर में बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को एक बहुत ही खुफिया मैसेज देने की पूरी कोशिश की है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़ेलेंस्की को क्या मिलने जा रहा है। से खतरनाक हमला, सबसे बड़ी तबाही, आने वाला है ज़ेलेंस्की का सबसे ताकतवर रॉकेट। और सामने है पुतिन का सबसे आसान टारगेट। आसमान में कब तक बाकी रहेगा पुतिन का फाइटर? ज़ेलेंस्की की वार्निंग में सबसे घातक मिसाइल बनी स्टिंगर, क्या यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की बाउंस बैक करने वाले हैं? रॉकेट का दम दिखाकर क्या काउंटर अटैक करने वाले हैं? ज़ेलेंस्की का बाउंस बैक कैसा होगा? पुतिन को डराने वाली सबसे बड़ी तस्वीर देखिए। 18 हाइमर सिस्टम की ये तस्वीर इस वक्त वायरल हो चुकी है। ध्यान से गिनिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पीछे की कतार में 7 हाइमर सिस्टम खड़े हैं और उसके पीछे 5 हाइमर्स लॉन्चर हैं, यानी कुल हुए 18 हाइमर सिस्टम जो यूक्रेन की तरफ रवाना किए गए। अब देखिए हाइमर्स के एक नए रॉकेट के धमाके। ये रॉकेट अब ज़ेलेंस्की को सप्लाई किए जाने की बात है, क्योंकि इससे ज्यादा तबाही होगी और रूस की फौज को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे, ये बाइडेन का भी मकसद है। ये हाइमर्स का M30A1 रॉकेट है, जिसकी रेंज 90 किलोमीटर से ज्यादा है। ये रॉकेट GPS से गाइड किया जाता है और जहां ये गिरता है वहां कैसा नुकसान होता है, ये आप इन दिल दहला देने वाले धमाकों को देख कर समझ सकते हैं। ये रॉकेट एक क्लस्टर बम की तरह काम करता है और जहां ये गिरता है वहां धमाके के बाद प्राण हर लेने वाले छर्रे निकलते हैं। M30A1 रॉकेट के अंदर 1,80,000 स्टील के छर्रे होते हैं, जो इंसान के जिस्म क्या एक कार में लगी लोहे की चादर में भी छेद कर सकते हैं। देखिए एक टेस्ट के दौरान जब इसके धमाके को रिकॉर्ड किया गया तो क्या क्या देखा। यही वजह है कि हाइमर्स की वजह से पुतिन को बहुत नुकसान हुआ है। पुतिन की फौज जहां ज्यादा तादाद में होती थी, ज़ेलेंस्की वहीं हाइमर्स का इस्तेमाल करते रहे। इसकी वजह से पुतिन को बहुत से इलाकों में पीछे हटना पड़ा है। पुतिन का ऑपरेशन खारकीव इसलिए नाकाम भी रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने रूस की फौज पर हाइमर्स जैसे सटीक हथियारों से बमबारी की है। रिपोर्ट है कि पिछले 4 महीनों के अंदर यूक्रेन हाइमर्स के 58% रॉकेट इस्तेमाल कर चुका है, यानी ज़ेलेंस्की की आधी से ज्यादा हाइमर्स वाली पावर खत्म भी हो चुकी है। ईरान के वो ड्रोन जो रूस को मिले हैं, उन्होंने भी हाइमर्स को टारगेट बनाया है। हाइमर्स जैसे ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम को लेकर पुतिन की नई स्ट्रेटजी बहुत खतरनाक है। ये नई रणनीति बताती है ज़ेलेंस्की जैसे ही नए हथियार दिखाएंगे, पुतिन उसको अपने टारगेट पर ले लेंगे। ज़ेलेंस्की जिन्हें गेम चेंजर बताएंगे, पुतिन उनका गेम ओवर कर देंगे।
यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की नए नए हथियार दिखा रहे हैं और पुतिन उन आधुनिक वेपन सिस्टम को बहुत ही तैयारी के साथ खत्म भी करते जा रहे हैं। रूस का रक्षा मंत्रालय ऐसे ऑपरेशन की वीडियो भी जारी कर रहा है जिसमें यूक्रेन के लंबी दूरी के हथियारों को तबाह किया गया। इन ऑपरेशंस में रूस ने सुखोई 25 फाइटर जेट के साथ कमो 52 भी इस्तेमाल किए जिनकी हवाई बमबारी में ज़ेलेंस्की के कई अड्डे उड़ गए। साथ में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से भी बारूद की बारिश की जा रही है। इन हथियारों में ऐसे अड्डों को टारगेट किया जा रहा है जहाँ पर ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले वेपन सिस्टम रखे गए हैं। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की को नए हाइमर्स सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने 10-20 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा हाइमर्स सिस्टम की डिमांड अमेरिका के सामने रख दी है। ये अमेरिका के पास कुल हाइमर्स का 20% यानी पांचवां हिस्सा है। फिलहाल ज़ेलेंस्की के लिए फौरी राहत की बात यह है कि हाइमर्स के 18 नए सिस्टम यूक्रेन पहुंचने वाले हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की पुतिन के खिलाफ बाउंस बैक करने वाले हैं। जहां भी हाइमर्स जैसे अटैक होते हैं उससे क्या तबाही होती है इसका वीडियो भी देख लीजिए। ये डॉनबास में एक अस्पताल है जिसके करीब यूक्रेन की फौज ने हाइमर्स रॉकेट सिस्टम से हमला किया। पहली खेप में ज़ेलेंस्की के पास 16 हाइमर्स सिस्टम भेजे गए थे। हाइमर्स के एक सिस्टम में 6 रॉकेट लगाए जाते हैं। यूक्रेन अभी तक एक महीने में 7200 रॉकेट तक दाग रहा है। हाइमर्स का एक रॉकेट 1,30,00,000 रुपए का आता है। शौक गए तो फिर सुनिए, हाइमर्स के एक रॉकेट की कीमत 25,000,000 से भी ज्यादा है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अमेरिका यूक्रेन को बचाने की या कहें कि पुतिन की फौज पर अपने हमलों के लिए कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है। इसलिए जो बाइडेन पर भी बहुत ज्यादा दबाव है कि वो ज़ेलेंस्की तक सप्लाई चेन को भी लगातार कैसे जारी रखें। उन्हें तो अपने रॉकेट वाले गोदाम को भी खोलना पड़ेगा। अमेरिका की फौज के पास हाइमर्स के 50,000 रॉकेट हैं और अमेरिका इस गोदाम को नहीं छूना चाहता। अभी यूक्रेन के पास हाइमर्स का जो रॉकेट है उसकी रेंज 70 किलोमीटर से ज्यादा है। हाइमर्स का रॉकेट 227 मिलीमीटर का है और ये 20 मीटर के दायरे में गिरता है। हाइमर्स के मीडियम रेंज के रॉकेट 3 वर्जन में आते हैं। ये 3 वेरिएंट के रॉकेट 32 किलोमीटर, 45 किलोमीटर और 75 किलोमीटर की रेंज तक हमला करते हैं। लेकिन अब जो रॉकेट यूक्रेन को मिलने की उम्मीद है वो 90 से 100 किलोमीटर की रेंज तक वार करता है और टारगेट के 20 मीटर के दायरे में ही गिरता है। यानी पूरी तरह गाइडेड वर्जन वाले रॉकेट मिलने से अब ज़ेलेंस्की की फायर पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं ज़ेपोरेज़िया पर रूस के एक हमले के बाद यूक्रेन में बहुत दहशत है। यूक्रेन का दावा है कि ज़ेपोरेज़िया में रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का इस्तेमाल जमीनी टारगेट्स पर किया और इसमें आम लोगों की मौत हुई। Сьогодні о 7 ранку, як і щодня, громадяни України збиралися в колони для того, щоб приїхати на тимчасово окуповані територію до своїх будинків, до своїх старших батьків, до своїх дітей. Сьогодні зібралося тут порядка 50 машин, і вони накопичились кожною хвилиною. І о 7 годині 12 хвилин. इस हमले का वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत ही तल्ख अंदाज में पुतिन को जवाब दिया है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि आम शहरियों को टारगेट किया गया है जिसका बदला बहुत जल्दी लिया जाएगा। Трохи розпочав цей день зі свідомого, абсолютно прорахованого вбивства українців в Запоріжжі. Ракетний удар по цивільній автоколоні, станом на цей час 30 загиблих, майже 100 поранених, травмованих. Російські військові знали, куди влучать їхні ракети, це зробили не люди. Від першого до останнього, від того, хто дав цей наказ, і до усіх, хто цей наказ виконав. यानी ज़ेलेंस्की बार बार बता रहे हैं कि वो बार बार बाउंस बैक करेंगे और कोई शक नहीं होना चाहिए कि इसमें हाइमर्स जैसे वेपन सिस्टम की बड़ी भूमिका होगी। ज़ेलेंस्की के पास रूस को नुकसान पहुंचाने वाले एक और हथियार के बारे में सुनिए जिसे लेकर रूस के पायलट भी दहशत में है और वो यूक्रेन पर जब नीची उड़ान भरते हैं तो हमेशा उनको मारे जाने का खतरा सताता है। ये है मैनपैक्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जो आम तौर पर कंधे पर रखकर ऑपरेट किया जाता है, या कहें कि ऐसी मिसाइल जो एक फौजी कहीं भी उठाकर ले जा सकता है और वो उसे अकेला फायर कर सकता है। ये ऐसी मिसाइल होती है जो 5,000 मीटर की रेंज तक दुश्मनों के विमान, उनके हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिरा सकती है।
ऐसे ही कुछ हमलों की वीडियो देखिए, जिसमें रूस के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर अमेरिका से मिले स्टिंगर मिसाइल के टारगेट बने हैं। देखिए कैसे रूस का एक बॉम्बर जब यूक्रेन में काफी नीचे उड़ रहा था, तब उसे स्टिंगर मिसाइल से निशाना बनाया गया। देखिए एक और वीडियो जिसमें रूस का एक कमू हेलीकॉप्टर स्टिंगर मिसाइल का शिकार बन गया। यूक्रेन के पास इस वक्त करीब 1000 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल है जो उसे अमेरिका से मिली है। स्टिंगर को लेकर रूस के पायलट्स में कितनी दहशत है वो यूरोप के अखबारों और मीडिया की हेडलाइन देखकर समझ सकते हैं। सब बता रहे हैं कि कैसे यूरोप के जहाज यूक्रेन को मिली स्टिंगर मिसाइल के सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं और उनके लिए रूस के फाइटर को गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। आम तौर पर यूक्रेन के रडार से बचने के लिए रूस के फाइटर जेट नीचे उड़ान भरते हैं, लेकिन ऐसे में वो स्टिंगर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आ जाते हैं। यूक्रेन के पास स्टिंगर मिसाइल जैसे विमान को गिराने की ताकत है। वो 5000 मीटर से कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे विमानों की बहुत बड़ी दुश्मन है, लेकिन स्टिंगर 5000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने वाले टारगेट पर ही हमला कर सकती है, जबकि नैसम्स की मिसाइल 21000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट को गिरा सकती है। नैसम सिस्टम को भी जेलेंस्की की फौज जल्द उतारने जा रही है और तब सुखोई 35 से लेकर सुखोई 34 और सुखोई 25 जैसे रूस के जहाज ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने के दौरान भी जेलेंस्की के टारगेट पर रहेंगे। यही वजह है कि रूस अब ईरान से ड्रोन खरीदकर यूक्रेन के फौजी अड्डों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि ये सस्ता विकल्प है और ऐसे में पायलट की जान को भी खतरा नहीं होता। फिलहाल पुतिन का फोकस उन नए फौजियों पर भी है जिन्हें भर्ती करने के बाद फौरन यूक्रेन भेजा जा रहा है। रूस की फौज ने इनको हथियार देने शुरू कर दिए हैं ताकि वो यूक्रेन के मोर्चे पर जाकर युद्ध में शामिल होंगे। युद्ध वाला जोश दिलाने के लिए पुतिन की कोशिश जारी है। पुतिन को कई फ्रंट पर नुकसान हुआ है, लेकिन उनका बड़ा मकसद भी हासिल हो चुका है। डॉनबास में अब रूस का झंडा लहरा रहा है और ये पुतिन का बाकी यूक्रेन के साथ पूर्वी यूरोप या कहें कि नेटो देशों को भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है, जिसमें मॉस्को की तरफ से मैसेज साफ है। वो ये कि पुतिन का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। 3 लाख नए सैनिकों को मोर्चे पर रवाना करके पुतिन ने क्लियर कर दिया है कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सोचना भी यूक्रेन और नेटो के लिए घातक है।